हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। तो वेलकम टू द ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप लोग इजीली 3D मॉकअप स्क्वायर रेडी कर सकते हो इन ब्लेंडर। तो देख लो पहले। तो यार, आई नो कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो उसके लिए माजरत, मैं बिजी था थोड़ा सा। तो बाकी इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। और बाकी भाई के फटाफट से 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो यार। और ये एनिमेशन होने वाली है यार प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो इन फ्यूचर उस पर और भी वीडियोस बनाएंगे। तो लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे आप लोग मॉकअप, मतलब टी शर्ट पे कोई भी टेक्सचर वगैरह या कोई भी वॉलपेपर, अपनी पिक्चर या कुछ भी ऐड वगैरह ईजिली कर सकते हो। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से आप लोग अपना ऑन कर लो ब्लेंडर। ब्लेंडर ऑन करके यहाँ पे ए सेलेक्ट करके इन सबको कर दो डिलीट। डिलीट करके यहाँ पे शिफ्ट ए दबाओ। शिफ्ट ए दबा के मैश में जाके प्लेन ऐड कर लो। प्लेन ऐड करके इसको ऐसे थोड़ा स्केल अप कर लेना। स्केल अप करके यहाँ से चले जाओ ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में। एडिट मोड में जाके यहाँ पे ये वाले आइकन पे क्लिक करो। क्लिक करके यहाँ से प्लेन के कॉर्नर पे क्लिक करो और देन ई प्लस जी से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लो। और वापस चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में जाके आप लोगों ने इस वाले आइकन पे ऐड मॉडिफायर कर लेना है। ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करके यहाँ से कर लो बेविल ऐड। बेबी लाइट करके इसको थोड़ा सा यार इसकी अमाउंट को छेरो और देन थोड़ा सा अप करके इसके सेगमेंट्स को अराउंड 40, 38, 50, जो भी 38 के अराउंड कर लो या जो भी सूट करे उस हिसाब से कर लो। तो देन आप लोगों ने अब कर लेना है अपनी टी शर्ट ऐड। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो ये GLT फॉर्मेट में है, तो इसको ऐड करके आप लोग एम क्लिक करके एम दबा के कलेक्शन में ऐड कर लो। कलेक्शन में ऐड करके आप लोगों ने इसको ऐसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेना है। तो मुझे किसी ने बोला था यार बहुत फास्ट बोलते हो, तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ थोड़ा स्लो बोलने की, बट बोला नहीं जाता यू नो कि वॉइस ओवर करना कितना हार्ड है यार। तो बाकी इसको थोड़ा सेट वेट कर लो फ्रंट की तरफ। तो ये सेट हो गई। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने शिफ्ट ए दबा के कैमरा में जाके कैमरा ऐड कर लेना है। तो ये कैमरा ऐड हो गया। तो आप लोगों ने सिंपल इसको थोड़ा सा क्लोज करके Ctrl+R+0 दबाओगे तो ये फ्रंट पर आ जाएगा। सेटिंग में जाके यहाँ पर इसके रेजोलेशन को 1920x1350 कर लो और FPS को 30 कर लो। तो यहाँ से इसको FMPEG और देन एन दबाओ। एन दबा के व्यूज़ में जाके कैमरा टू व्यू को इनेबल कर लो। इनेबल करके आप लोग अब आप लोग इजीली कैमरा को सेट कर सकते हो माउस से स्क्रॉल वगैरह करके। तो इसको कर लो थोड़ा सा सेट। तो ये कैमरा सेट हो गया। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से चले जाना है UV एडिटिंग में। तो UV एडिटिंग में जाके आप लोगों ने यहाँ पे UV पे क्लिक करके यहाँ से इसको लास्ट पे एक्सपोर्ट कर लेना है। कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप लोग, कोई भी फोल्डर में या कहीं भी। तो इसको एक्सपोर्ट करके आप लोगों ने सिंपल यहाँ से अपना PS फोटोशॉप ऑन कर लेना है। और फोटोशॉप को ऑन करके जो एक्सपोर्ट की थी फाइल उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो कोई भी पिक्चर वगैरह यहाँ वॉलपेपर वगैरह ऐड कर सकते हो आप लोग। तो मैं पिक्चर वगैरह ऐड कर रहा हूँ। पिक्चर ऐड करके आप लोगों ने सिंपल यहाँ से सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप लोगों ने इस आइकन पे क्लिक करके बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अब रिमूव करके इसको थोड़ा सा आपने स्केल डाउन करो। स्केल डाउन करके यहाँ पे शर्ट की फ्रंट पे इसको एडजस्ट कर दो अपने हिसाब से, देख लो। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं ये लोगो वगैरह ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करके सेम इसको भी वहीं पे स्केल डाउन करके एडजस्ट कर दो। और एक और चीज़ के इस पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेना और सेम पिक्चर को भी सेम ऐसे ही करना। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे फाइल में जाके इसको कर लेना एक्सपोर्ट SPNG। एक्सपोर्ट SPNG तो ये एक्सपोर्ट होगी। तो देन वापस चले जाओ ब्लेंडर में। तो ब्लेंडर में जाके आप लोगों ने यहाँ पर चले जाना है शेडिंग में। तो शेडिंग में जाके आप लोगों ने शर्ट पे सेलेक्ट करके शर्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के इमेज टेक्सचर ऐड कर लेना है। तो ये ऐड हो गया इमेज टेक्सचर। और देन यहाँ पे आप लोगों ने ओपन पे क्लिक करके वो फाइल जो एक्सपोर्ट की थी अभी इसको इंपोर्ट कर लो और इस कलर को बेस कलर के साथ जोड़ दो। देन आपकी वो पिक्चर वगैरह ऐड हो गया और बैक पे वो जो हमने लोगो ऐड किया था वो लोगो ऐड हो गया। तो देन अब आप लोग सिंपल इसके नीचे प्लेन पे सेलेक्ट करके कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो उसको। तो थोड़ा सा रफनेस से और ये मेटल से पंगे चंगे लो और बाकी शर्ट को भी सिलेक्ट करो और अगेन रफनेस को थोड़ा सा डाउन कर दो, थोड़ी सी शाइन वगैरह आ जाएगी। बाकी वापस चले जाओ आप लोग लेआउट में और लाइटिंग वगैरह ऐड करनी है थोड़ी सी। तो लाइटिंग ऐड करने के लिए आप लोगों ने सिंपल शिफ्ट ए दबा के लाइट में जाके एक एरिया ऐड कर लेना है। एरिया ऐड करके टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाके इसको थोड़ा सा पीछे करके ना थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको सेट कर लो। सेट करके आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका तो जो भी कलर आप लोगों ने चूज़ करना है वो दे दो। जैसे कि मैं थोड़ा सा ये स्काई ब्लू टाइप दे रहा हूँ। तो इसको दे के आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे इसकी अमाउंट को कर देना है 5000 अराउंड करके। देन अगेन एक और शिफ्ट ए दबा के लाइट में जाके एरिया ऐड करो।
देन ऐसे ही दो चार एरिया वगैरह ऐड करके, एक दो पॉइंट वगैरह ऐड करके लाइटिंग वगैरह आप लोग अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। तो मैं ज़रा लाइटिंग वगैरह सेट कर लूँ। तो लाइटिंग वगैरह ऐड करके आप लोगों ने चले जाना है शेडिंग में। तो ये ब्लैक टी शर्ट है, तो अगर आप लोगों ने वाइट करनी हो या वाइट पर कोई भी टेक्स्चर वगैरह लगाना हो तो उसको कैसे करेंगे, तो सिंपल वापस चले जाओ फोटोशॉप में। फोटोशॉप में जाके इस पिक्चर को और ये लोगो को डिलीट कर दो। देन आप लोगों ने इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको पूरा सेलेक्ट करके देखो ये वाइट हो गया। तो अभी इस वाइट को कर देते हैं यहाँ से हाइड। हाइड करके आप लोग कोई भी पिक्चर ले लो, लाइक जैसे मैं ये वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको भी स्केल डाउन करके देन शर्ट के फ्रंट पे सेट कर दो। सेट करके सेम उसी तरह ही बैक पे हम थोड़ा सा वो थोड़ा सा कह रहा हूँ वो लोगो ही वगैरह यूज़ करेंगे। तो लोगो सेट करके अगेन इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना राइट क्लिक करके, और देन इमेज को भी सेम, और ये करके आप लोगों ने ये वाइट को कर देना है ऑन। तो ऑन करके अगेन इसको कर लो फाइल में जाके एक्सपोर्ट एक्स पीएनजी। तो इसको एक्सपोर्ट करके आप लोगों ने चले जाना है वापस ब्लेंडर में। तो आप लोगों ने ब्लैक की जगह वाइट टेक्स्चर लगा देना है। तो ये सेट हो गया। तो वापस चले जाओ आप लोग लेआउट में। लेआउट में जाके जीरो बाहू कैमरा व्यू में जाके आप लोगों ने चले जाना है रेंडर्ड व्यू में। तो रेंडर्ड व्यू में देखो तो ये ऐड हो गया आपका वाइट टेक्स्चर, देन बैक पे वही लोगो। तो आप लोग सिंपल शेडिंग में जाके इसके प्लेन के साथ थोड़ा सा रफनेस और ये मेटेलिक को अप डाउन कर सकते हो अपने हिसाब से। देन शर्ट को भी थोड़ा सा अगर आप रफनेस को डाउन करोगे तो शाइन वगैरह आ जाएगी। बाकी अब आप लोगों ने इसको 360 रोटेशन कैसे देनी है, वो सिंपल आप लोगों ने शिफ्ट ए दबा के एम्प्टी में जाके प्लेन एक्सेस सेट कर लो। तो इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेना है। स्केल अप करके आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है पहले टी शर्ट। टी शर्ट सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के आप लोगों ने एम्प्टी ऐड कर लेनी है साथ ही। तो एम्प्टी को ऐड करके आप लोगों ने दबाना है कंट्रोल पी, कर देना है ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म विदाउट इन्वर्स। तो इसको सेलेक्ट करोगे ना तो आप लोग सिंपल एम्प्टी को मूव करोगे तो टी शर्ट भी साथ ही मूव होगी। तो ये हो गया सेट। तो देन दबा के आइटम्स में, आइटम्स में जाके आप लोगों ने रोटेशन के जी पे सिंपल आई प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ये की फ्रेम लग जाएगा आपका। तो ये की फ्रेम लग गया, तो देन आप लोग चले जाओ आगे 150 फ्रेम्स पे। अराउंड 150 फ्रेम्स पे जाके जी के अमाउंट कर दो आप लोग 360 अमाउंट रख के आप लोग सिंपल अगेन यहाँ पे आई प्रेस कर दो। तो यहाँ पे भी की फ्रेम लग गया। तो देन अब आप लोग इसको प्ले करके देख सकते हो। तो ये देखो ये राउंड 360 रोटेशन में मूव हो रहा है। मॉकअप वगैरह रेडी हो गया है विथ 360 रोटेशन। तो देन अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग ने चले जाना है सेटिंग में। मैं ईवी में रेंडर कर रहा हूँ, आप लोग सेकंड में भी कर सकते हो। तो ईवी की आप लोगों ने सेटिंग क्या रखनी है, यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है एम्बिशन ऑन, ब्लूम, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, ये तीनों को ऑन कर लेना आप लोग। ऑन करके आप लोगों ने सिंपल नीचे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके आप लोगों ने यहाँ से अपनी फाइल को जहाँ पे एक्सपोर्ट करना है वो जगह सेलेक्ट कर लेना। आप लोग सिंपल इसको एनिमेशन एक्सपोर्ट कर लो। तो यार आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो कोई भी चीज़ की समझ ना आई हो जो कि काफ़ी बीच में नहीं आई होगी शायद तो आप लोग मुझे सिंपल नीचे इंस्टाग्राम शो हो रहा होगा मेरा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे DM करो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जो भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो। और बाकी भाई को वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।